एक गांव में रामदास अपनी पत्नी सीमा के साथ रहा करता था। वहीं उसकी पत्नी सीमा अक्सर उससे लड़ाई झगड़ा किया करती थी, जिस वजह से रामदास बहुत ही दुखी था। हे भगवान, कैसी पत्नी दी है, हमेशा लड़ती ही रहती है। बुढ़ापा आ गया पर अभी भी नहीं सुधरी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रामदास बस यही प्रार्थना किया करता था कि भगवान उसकी पत्नी को जल्द से जल्द उठा ले, क्योंकि सीमा बहुत ही लड़ाकू थी। एक दिन सीमा खाना बना रही थी, तभी वहाँ रामदास आया और बोला, क्या बना रही हो? क्या लाकर रख दिया था जो बना दूंगी? घर में आलू पड़े थे सो वही बना दिए। अरे तो सीधे सीधे नहीं बता पा रही थी कि आलू बना दिए हैं? इतना मुंह फुलाकर जवाब देने की क्या जरूरत थी? आपसे कितनी बार तो कहा है कि सब्जियां ले आया करो, पर आप बहुत ज्यादा कंजूस हैं, कुछ भी लाकर नहीं रखते हैं। हे भगवान, अगर तुझसे कुछ भी कहो तो तू हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कल तो सब्जी थी ही, तो वो कल बन गई, आज नहीं ला सकते थे क्या? ये सुनकर रामदास बहुत ही परेशान हुआ और उसने कहा, अरे अब खाना मिलेगा या नहीं? ये सुनकर सीमा ने उसे खाना लगाया। रामदास ने जैसे ही खाना खाया तो उसके मुंह में कंकड़ आ गया। ये देखकर उसने कहा, सब्जी अच्छी तरह धोई नहीं थी क्या, मुंह में कंकड़ आ गया? जिसकी जुबान ही कंकड़ वाली हो उसके मुंह में तो कंकड़ आएगा ही। ये सुनकर रामदास बहुत दुखी हुआ और बिना खाना खाए ही वहाँ से चला गया और आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आया और बोला, क्या हुआ चाचा, बड़े दुखी लग रहे हो? क्या बताऊँ, तेरी चाची ने नाक में दम करके रखा है। अब तो ऐसा लगता है कि या तो भगवान उसे उठा ले या मुझे उठा ले। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो चाचा, बुढ़ापे में वही तो आपका सहारा है। अरे काहे का सहारा, इससे तो अच्छा है कि मैं बेसहारा हो जाऊं, कम से कम चैन तो आएगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन रामदास जल्दी उठ गया। उसने देखा कि सीमा उठी ही नहीं, उसने उसे जगाया पर सीमा उठ ही नहीं रही थी। ये देखकर रामदास पहले तो थोड़ा परेशान हुआ, अरे ये उठ क्यों नहीं रही, क्या हुआ? फिर उसने जोर जोर से आवाज लगाई पर कोई भी हलचल नहीं हुई, जिससे रामदास ने सोचा कि सीमा मर गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे राम, ये क्या हो गया, मेरी पत्नी मर कैसे सकती है, ये मुझे छोड़कर कैसे चली गई? रामदास की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। सभी ने यही समझा कि सीमा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वही रामदास लोगों को दिखाने के लिए रो रहा था, परंतु मन ही मन वो बहुत खुश हो रहा था कि चलो उसकी पत्नी मर गई। सभी लोग रामदास को शांत करने में लगे हुए थे। तभी एक आदमी ने कहा, चलिए अब हमें चाची का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, दोपहर होने को आई है। हाँ हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, अब मैं कैसे रहूंगा इस दुनिया में, मेरा इसके सिवा कोई नहीं था। इसके बाद सीमा को अर्थी पर लिटाया गया और सभी लोग उसे ले जाने लगे। तभी अचानक सीमा ने अंगड़ाई ली और अर्थी पर से उठकर बैठ गई। उसे इस तरह से उठता देख लोग अर्थी छोड़कर भागने लगे। भूत भूत भागो, भूत भूत भागो भागो। अरे क्या हुआ, भूत भूत क्यों चिल्ला रहे हो? वहीं जब रामदास ने ये देखा तो कहा, अरे तू जिंदा कैसे हो गई, तू तो मर गई थी। किसने कहा मैं मर गई? कल रात को पता नहीं, शायद मैंने नशीली दवा खा ली थी या भांग, इसी वजह से आज नहीं उठ पाई। ये सुनकर रामदास ने अपना सर पीट लिया और कहा, हे भगवान, तू कब मरेगी? अच्छा तो आप मुझे मारना चाहते हैं, रुकिए मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर सीमा रामदास के पीछे भागने लगी। वहीं रामदास अपनी जान बचाकर भाग रहा था, वहीं गांव वाले खड़े खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे।